बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रॉयल न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ इकरारिया और मैं हूँ अखलाक अहमद सालिक। आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कोहार यूनिवर्सिटी के टेंडर्स में मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए मनपसंद अफराद को ठेके देने पर निजी कंपनियों के मालिकान ने वाइस चांसलर और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कोहार्ट यूनिवर्सिटी के टेंडर्स में मेरिट की दर्जियां उड़ाते हुए मनपसंद अफराद को ठेके देने पर निजी कंपनियों के मालकान ने वाइस चांसलर और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जराये के मुताबिक कोहार्ट यूनिवर्सिटी के टेंडर्स में बड़े पैमाने पर मेरिट की दर्जियां उड़ा दी गयी। हॉस्टल, कैफेटेरिया और दुकान के टेंडर्स में मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए और बंदर बांट की गयी। निजी फर्म के नुमाइंदे ने रॉयल न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया की जिन अफराद को ठेका दिया गया है वो मेरिट पर पूरा ही नहीं उतरते। मैं अमजद खान हटेक, मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रेंड्स एसोसिएट्स, जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कोहार्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सदर खान से अपील करता हूं कि अभी यूनिवर्सिटी में जो टेंडर हुए हैं वो मेरठ के ख़िलाफ़ हुए हैं। बराए मेहरबानी मेरठ के खिलाफ जो फैसला हुए उसको कैंसिल कर दे और मेरठ पर फैसला करने के अहकाम जारी किए जाएँ और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सही सज़ा सुनाई जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह के प्रिक्योरमेंट रूल्स के ख़िलाफ़ कोई टेंडर अवार्ड ना करें। खबर है चूनिया से। थाना छांगा मांगा में नए तैनात होने वाले SHO हाफिज आतिफ नज़ीर ने अपनी टीम के हमराह छापा मार कर बदनाम जमाना मुनशियात फरोश अली अब्बास को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1.5 किलो चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डेरा मुराद जमाली के वार्ड नंबर 19 में निकासी आब के लिए बनाए गए 17 तालाब गंदे पानी से भर गए। किसी वक्त भी तालाब ओवरफ्लो हो सकते हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। डेरा मुराद जमाली के शिरकी साइड वार्ड नंबर 19 मोहल्ला गुलाम मुस्तफा सोलंगी में शहर के सीवरेज का गंदा पानी लिए बनाए गए 12 तालाब भर गए। इन तालाबों का मेन निकास न होने की वजह से करीबी इलाकों में रिहायशी पजीर मकीन किसी भी खतरे से दो चार हो सकते हैं जिससे इलाका मकीनों में खौफ हरास फैल गया है। उन्होंने एहतजाज करते हुए कहा कि तालाब ओवरफ्लो होने के बाद गंदा पानी आबादी के इलाके में दाखिल होने की वजह से इसका खदशा बढ़ गया है। उन्होंने कई मरतबा हुकाम बाला को तहरीरी तौर पर आगाही भी दी मगर सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना था कि हुकूमत ने इन 12 तालाबों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए मगर इन तालाबों के पानी को सेम नालिक तक ले जाने के लिए कोई भी जामे प्लानिंग नहीं की गई। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि मेन सीम नाला जो कि इन तालाबों से 1000 फीट के फासले पर है, यहाँ का तमाम गंदा पानी सेम नाले में डालने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाने चाहिए। अब खबर शामिल करेंगे खारियां से। थाना सदर खारियां के इलाके मंडीर में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग हुई। जी, खातून समेत 3 अफराद कत्ल। हमलावरों ने पीछा करके फायरिंग की। हमलावर फरार। पुलिस मौके पर मौजूद। चौधरी आजम वल्द अहमद खान कौम गुजर सकना धक्कड़ शदीद जख्मी। अख्तर वल्द मोहम्मद अफजल कौम गुजर सकना धक्कड़। परवीन बीबी जौजा फजल दाद कोला और मियाँ इसहाक 3 अफराद कत्ल किए गए। और अब खबर शामिल करेंगे चिश्तियाँ शरीफ से, जहां पर वज़ीर आज़म के प्रोग्राम सरसब्ज़ और क्लीन एंड ग्रीन विजन के मुताबिक शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से SC चिश्तियाँ उमर सरवर ने खाजा वेलफेयर ट्रस्ट में अपने हिस्से का पौधा लगाया। चिश्तियाँ से हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान की ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, चिश्तियाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री लगाने का ख्वाब पूरा होता दिखाई देने लगा। इसी हवाले से चिश्तिया में भी ख्वाजा वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से महकमा रेलवे की तरफ से लीज पर मिलने वाली अराजी पर 1000 के करीब फलदार और सायादार शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर समेत महकमा सोशल वेलफेयर, ख्वाजा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन ख्वाजा अरशद, मुमताज वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर शाहिद इमरान और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने भी अपने हिस्से का पौधा लगाया और मीडिया को बताया। आज ख्वाजा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमने बहार के मौसम के आगाज़ के साथ ही चिश्तियाँ में दरख्त लगा के शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और ये उसी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ड्राइव का हिस्सा है जो कि प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है। आज के दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ पे 500 के करीब दरख्त लगाए जाएंगे जिसमें मुख्तलिफ फलों के दरख्त हैं और सायादार दरख्त है। तो मेरा मैसेज चिश्तियाँ के वाम के लिए यही होगा कि जिस तरीके से मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात इस शहर की बेहतरी के लिए और आने वाले दिनों में माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उनको देखते हुए
درخت لگانا چاہ رہے ہیں، ماحول بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، تو باقی عوام کو بھی چاہیے کہ جس جس کے پاس جہاں جہاں بھی جگہ ہے وہ وہاں پہ اسے سرسبز کرے، درخت لگائے۔ خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین خواجہ ارشد نے میڈیا کو بتایا، یہاں پر ہم کافی عرصے سے شجرکاری کا کام کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کے جو ویژن ہے اس کے مطابق اس سے پہلے ہم تقریباً یہ ہائی وے کے ساتھ ساتھ شہر کے انٹرنس پر 2000 درخت ہم آلریڈی لگا چکے ہیں پچھلے چند سالوں میں، اور اب پھر اس سال کا جو سیزن آیا شروع ہوا ہے تو ہم پھر 500 درخت ہمارے پاس آ چکے ہیں، جس میں سے ہم نے تقریباً کچھ لگا دیے ہیں اور مزید ہم لگا رہے ہیں، انشاءاللہ اس مرتبہ ہم 1000 درخت مزید لگائیں گے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے درخت ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے حصے کا پودا لگا کر اس مہم میں شامل ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد عمران، رائل ٹی وی نیوز، چشتیاں۔ مظفر گڑھ کے علاقے خان گڑھ جھوک بھٹا میں باثر افراد نے 80 سالہ بوڑھے بابا کے گھر کا آخری چراغ ہی اجاڑ ڈالا۔ پہلے ایک بیٹے کو قتل کیا جس کا مقدمہ تھانہ خان گڑھ میں ملزمان کے خلاف درج تھا۔ ملزمان کی طرف سے دوبارہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو ورنہ ہم تمہارے دوسرے بیٹے کو بھی مار ڈالیں گے۔ 2 ماہ قبل اسماعیل مزمل مظہر وغیرہ کی گینگ نے بابے کے دوسرے بیٹے غلام مصطفیٰ کو بھی قتل کر دیا۔ تھانہ خان گڑھ میں مقدمہ درج ہے مگر خان گڑھ پولیس نے ابھی تک ملزمان گرفتار نہیں کیے، جس پر ورثاء نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ مزید اس حوالے سے دیکھیں گے ہمارے نمائندے خواجہ سکلین کی اس رپورٹ میں۔ بزرگ میرے ماما جی ہیں، بزرگ عمر رسیدہ ہیں، انہیں دے بارے ڈاکٹر صاحب لکھ لیتے کہ دماغ دا اثر، انہیں دماغی توازن درست کوئی نہیں۔ دماغی توازن درست کیویں صحیح رہا کہ ایک نوجوان بیٹے ترائے، ایک رضا الہی نال فوت تھی گیا، دوجھے قتل کر دیتا گیا، واحد کفیلہ اون کوئی مار دیتا گیا، تو ہوں اندر بعد وہ سوا رون دے تے کھلن دے بھی کیا آکھ سکتے۔ سب کو امید بالکل فی الحال سارے امید معدوم تھی چکے ہیں کہ سب کو کہیں پاس سکون ملے۔ ہوں اساں ہوں مائیں ہوں کزن ہاں، اساں اپنی روزی روٹی دی کرنی ہے، سارے بچے ہیں، اساں اگر آسوں گے سب کو رہیں، مطلب تھریٹ کیتا ویں تے پیو او بے کو مار دسوں، او بے کو مار دسوں، انہیں تو مدعا ہی کوئی نہیں، میرا وڈا بھائی ہے، مدعا ہی بنے کیس دا 729/20 دا، لیکن گال ہے وہ سب تھریٹ کریں بھی اساں مطلب تو کے مار دسوں۔ انہیں کا مقصد مین یہ ہوا کہ بھی مدعی کو جلے مارے سن پیروی کا نہ ہو سی، ساری اپنی مرضی ہو سی، لہٰذا سر گال ہے کہ بھائی کیا سا پاکستانی شہری نہیں، انڈین تو نہیں سے نا، کم از کم مہربانی کی تھی، مجھے سب امید ہے۔ رخ کریں گے لاہور کا، جہاں کرسٹل ہال پی سی ہوٹل میں پرائمری ہیلتھ اینڈ ہائر ایجوکیشن کے تحت ایک سیمینار منعقد کیا گیا جو کہ کرونا 19 کے حوالے سے تھا۔ اس سیمینار میں راجہ یاسر ہمایوں اور صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سردار وقار کی اس رپورٹ پہ۔ جی آج کرسٹل ہال پر کانٹیننٹل ہوٹل میں یونیسیف کے تعاون سے اور محکمہ صحت ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا جو COVID-19 کے حوالے سے تھا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد نے کیپٹن عثمان، جو اس موقع پر موجود تھے، ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سیکٹری ہیلتھ کیپٹن عثمان نے دن رات ایک کر کے اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور دنیا بھر میں پاکستان کی COVID-19 کے حوالے سے جو اس پہ قابو پایا گیا اس کی تعریف کی گئی اور ہماری حکمت عملی کو پوری دنیا نے سراہا۔ اس موقع پر راجہ یاسر مائیوں کا کہنا تھا، جو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہم نے ایک دم اس میں جو تھا وہ بند کیا ان کو، لیکن اس کے باوجود یہ پوزیشن تھی کہ تعلیمی حرج تھا، جو تب بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا امکان تھا، اس لیے ہم نے آن لائن سسٹم بھی جاری کیا، ایجوکیشن سسٹم بھی جاری کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے درجہ بدرجہ تمام تعلیمی ادارے کھول بھی دیے، اور اب بھی یہی حکمت عملی 50% کے حوالے کی ریشو سے جاری ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قوم کے بچوں کے مستقبل کو دو پہ نہیں لگائیں گے۔ اسی موقع پر صوبائی وزیر صحت، یونیورسٹیز کے چانسلرز، صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے اپنا کیپٹن عثمان، سیکٹری ہیلتھ پنجاب کو انعامی شیلڈ بھی عطا کی اور تعریف بھی کی۔ اسی طرح کیپٹن عثمان نے اس موقع پر اپنے کلمات میں یہ کہا کہ میں نے دن رات ایک کرنے پہ مجھے فخر ہے کہ میں نے بحثیت سیکٹری ہیلتھ اس وبا پہ قابو پانے کے لیے اپنی محنت کی اور اپنی قوم کے لیے محنت کی۔
इसी मौके पर सूबाई वजीर सेहत ने राजा यासर हमायों को शील पी और पेश की और राजा यासर हमायों ने यास्मीन राशिद वजीर सेहत को शील पेश की। दीगर हजरात जिनमें यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स हजरात थे उनको तारीफी सनाद भी दी गई और तशील भी पेश की गई। जी अपनी कैमरामैन टीम के हमरा सरदार वकार, रॉयल न्यूज़ लाहौर। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। आरिफ वाला में महकमे रेवेन्यू की सबसे बड़ी कार्रवाई 35 अरब रुपए मालियत से जायद सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया। तमाम तर कार्रवाई पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया की हिदायत पर की गई। आरिफ वाला शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नजायज काबजीन के खिलाफ पंजाब हुकूमत की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद कमाल क्लासन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पाकपतन रेवेन्यू यासर फरीद क्लासन और असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला मिस अलीजा रिहान की सरबराही में कार्रवाई करते हुए सरकारी रकबा अलाट वागुजार करवा लिया गया। गजनफर नवीद चौधरी तहसीलदार आरिफ वाला ने रेवेन्यू टीम और पंजाब पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन किया। महदीन आल एजेंसी लॉर्ड अब्दुल हमीद, लालदीन लॉर्ड जैदी शाह, जवेद इकबाल नर्सरी, जवेद इकबाल पोल्ट्री फार्म, NDS स्कूल और सईदुज़मान नर्सरी फार्म शामिल है। अराजी की तफसीलात 37 एकड़ 4 कनाल 9 मरले मालियत 35 अरब रुपए से जायद है। समाजी हलकों ने महकमा रेवेन्यू की इस कार्रवाई को खूब सराहा है। और अब रुख करेंगे गौसपुर का, जहां पर कश्मीर के रहायशी पुर अब्दुल गफूर मलिक वहाज से तंग आकर गौसपुर प्रेस क्लब के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की। कश्मीर के रहायशी पुरियत अब्दुल गफूर मलिक वहाज से तंग आकर गौसपुर प्रेस क्लब के सामने पेट्रोल अपने सर पर डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर वहां आसपास के लोगों ने पेट्रोल और माचिस लेकर उसको खुदकुशी करने से बचा लिया। पुरहित अब्दुल गफूर मलिक मीडिया को बताते हुए कहा कि गौसपुर शहर के रवासी व्याज खोर महेश कुमार से 6 साल पहले 7 लाख रुपए व्याज पर लिए थे और इस वक्त पर मैंने व्याज खोर महेश कुमार को 30 लाख रुपए व्याज के तौर पर दे चुका हूं। फिर भी मुकेश कुमार मुझे पैसों के लिए धमकियां दे रहा है और घर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे नाइंसाफी लगती है और नाइंसाफी है। पुरहित अब्दुल गफूर मलिक ने SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख से मुतालबा करते हुए कहा कि मुझको इंसाफ दिलाया जाए ताकि मैं सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। अब खबर शामिल करेंगे जूही से। आखिर बदमनी पर कंट्रोल क्यों नहीं होता? नाअहल SSP दादू, DSP जूही और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ जूही के शहरी सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी और दीगर पार्टियों से वाबस्ता लोगों ने हाथों में बैनर्स प्ले कार्ड उठाकर सख्त नारेबाजी करते हुए बिलावल पार्क से रैली निकालकर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। जी मुजाहिरीन का मरीद गुलाम कादर लगारी, अमीन वघियो, मौलवी गुलाम मुस्तफा लाशारी, खलील आरिफ सोमरो, मंजूर बब्बर, सजाद जमाली और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि SSP दादू और जूही पुलिस बदअमनी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मौसर मोटरसाइकिल सवारों को गोली मारकर जख्मी करने के बाद मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकद जो है वो अनामा छीन लिए जाते हैं। रोज 4 से 5 दुकानों के ताले तोड़कर नकद रकम और कीमती चीजें उठा ली जाती हैं। घरों की चोरी समेत मस्जिदों से सोलर प्लेटें और पंखे उठाकर ले जाते हैं, मगर पुलिस का सिर्फ नाम है, कार्रवाई नहीं की जाती। रुख करेंगे मिंचनाबाद का, जहां मंडी सादिकगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनामे जमाना इश्तिहारी मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शेर मोहम्मद उर्फ शेरी पुलिस का मनशियात के 19 मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम चर्स और नकद बरामद की गई। मुलजिम तवील अरसे से चर्स और अफ्यून फरोख्त करता था। पुलिस पार्टी ने शराब फरोख्त करने वाले तैयब नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और अब रुख करेंगे शोरकोट का। खुमाना वाला पेट्रोलिंग पुलिस इंचार्ज चौकी शबीर कोडन की टीम ने गुमशुदा बच्चा तलाश करके वर्षा के हवाले कर दिया। बच्चा शोरकोट मोटरवे इंटरचेंज के करीब से मिला, जिसका नाम मोहब्बली वल्द इकबाल हुसैन बताया जा रहा है, जो जिस्मानी तौर पर माजूर था। जो मोटरवे इंटरचेंज के करीब पेट्रोलिंग पुलिस को मिला, जिसको फौरी तौर पर उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया, जबकि बच्चे के घर वालों को कहना था कि हमारा बच्चा जो जिस्मानी तौर पर माजूर था, जो सुबह के वक्त घर वालों से
झगड़ा करके घर से निकल गया था। इसी दिन रात को पेट्रोलिंग पुलिस ने तलाश करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। हम इंचार्ज पेट्रोलिंग शबीर कोडन और इसकी टीम का खसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस का कहना था कि हमारे फ़र्ज है हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखें और अपने इलाके के अवाम के जान माल की हिफाजत भी करें। और अब रुख करते हैं कोट अब्दू का, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स को 30 साल बाद सरकारी बिल्डिंग तो फ्राहम कर दी गई, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद भी कॉलेज बुनियादी सहूलियात से महरूम है। क्लासरूम छोटे होने की वजह से तलबा और प्रोफेसर को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा आइए आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोट अब्दू 1986 में कायम हुआ और 1986 से लेकर 2018 के इख्तिताम तक ये कोट अब्दू शहर की तंग उतारी गली कूचों में धक्के खाता रहा किराए की इमारतों में। लेकिन जब मुझे प्रिंसिपलशिप मिली तो 2018 में मैंने कोशिश करके ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल की पुरानी इमारत में इसको मुंतकिल करवा दिया। और उसके बाद से हमारे मसाइल का कुछ सामना है कि ये क्लासरूम यहाँ पे मौजूद नहीं है, छोटे छोटे हॉस्टल के कमरे हैं, लेकिन हम कदम चला रहे हैं। अब हमें एक हाल की ज़रूरत है, क्लासरूम्स की ज़रूरत है, स्टाफ की भी कमी है। अगर ये मसाइल हल कर दिए जाएँ तो ये इदारा इंशाल्लाह काफ़ी तरक्की करेगा। बी एस क्लासें भी होंगी, फिलहाल बी काम आई काम और डी काम की क्लासेस 6 क्लासेस हो रही हैं, लेकिन हमें स्टाफ की कमी, बिल्डिंग की कमी, क्लासरूम्स की कमी का सामना है। ये मसाइल है, इसे हल करने की दरख्वास्त। बस्ती छीना वाली चक नंबर 172/10 आर खानेवाल में सूफी मोहम्मद रमजान छीना और जनरल सेक्रेटरी निसार छीना की जेर निगरानी अजीम शान सालाना इस्लाही तरबियती कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। जी कॉन्फ्रेंस में हजरत अक्दस ख्वाजा खाजगान, शेखुल मशाइख, किबला पीर ख्वाजा अब्दुल माजिद सदीकी और उसके साथ साथ सजदा नशीन खानका मालकिया मीनार मस्जिद खानेवाल ने तारीखी रूहानी और वजदानी खिताब में इस्लाही तरबियती दरसगाह औलिया इकराम सालहीन अजाम को करार देते हुए खानेवाल में 2, 3, 4 मार्च को मुनक़द होने वाली अजीम शान महफिल में मरीदैन और अकीदतमंदों को शिरकत करने और मुल्क भर से तशरीफ लाने वाले औलिया इकराम सालहीन अजाइम और शेखुल इस्लाम के फैज़ से मुस्तफ़ीद होने की दावत भी दी। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर से नामवार सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हाफिज काजी इमानुल्लाह साहब ऑफ कराची हजरत मौलाना अरशद कासमी तशरीफ लाए और नात कलाम भी पेश किया। मौजूद हैं सूफी रमजान छिन्ना साहब के साथ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने अंजुमन इस्लाही मुआशरे के हवाले से एक महफिल का इनकार किया। मजीद हम सूफी रमजान छिन्ना साहब से पूछते हैं कि सर आप ये बताइएगा आपके ये महफिल कराने का क्या मकासद थे? जी जिस तरह आपने देखा कि माशाल्लाह हर साल हम सालाना ये कॉन्फ्रेंस कराते हैं तो इसमें ख्वाजा साहब का इजमा होता है, ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी नक्शबंदी साहब का सालाना प्रोग्राम होता है, 3, 4, 5 मार्च को अब हो रहा है। तो उस हवाले से हमारी ये पहले एक कॉन्फ्रेंस होती है कि जिसमें हम इजमा की आवाज़ भी लग जाती है और ये एक तरबीती नशस्त होती है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और मुख्तलिफ उलमा इकराम यहाँ बयान करते हैं, जिसमें हर साल ख्वाजा साहब भी आते हैं और इसके अलावा अभी काजी अमानुल्लाह साहब कराची से तशरीफ लाए और इस तरह मुख्तलिफ नात खान हज़रात ने भी शिरकत की। तो इसका जो असल मकसद ये है कि इसलाह लोगों की इसलाह हो जाए, इसमें कोई तरबियत के हवाले से और हमने स्किल्स भी साथ हमने शुरू किया हुआ एक प्रोग्राम जिसमें लोगों को हम हर जुमे 9 से 12 वो करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारा एक असलाही और मुस्बत पैगाम लोगों तक पहुंच सके। जी जैसे कि सूफी रमजान छिन्ना साहब का यही कहना था कि इस महफिल को कराने का हमारा यही मकासद है कि हमारा जो पैगाम है लोगों तक पहुंच सके बड़ी आसानी से। जी और अब रुख करेंगे मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ का, जहां वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के जरिए एहतमाम खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 रोज़ा दुख्तरान पाकिस्तान सेमिनार और ट्रेनिंग वर्कशॉप का आगाज हो गया। डॉक्टर स्मतनाज, डॉक्टर काशिफ फराज, फौजिया इरफान, डॉक्टर शहीना करीम, समाजी शख्सियात, तालबात की कसी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं खादर गिल की ये रिपोर्ट। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के जेर एहतमाम खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 रोज़ा
दख्तरान पाकिस्तान सेमिनार और ट्रेनिंग वर्कशॉप का आगाज किया गया। सेमिनार ट्रेनिंग वर्कशॉप में सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट पंजाब अमरीन रजा, वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर उज्मा करेशी ने शिरकत की। खवातीन की हर फील्ड में तरक्की खुशहाली हमारे लिए अवलीन तरजीह है। पंजाब वुमेन वर्किंग हेल्थ अथॉरिटी का कानून लाया जा रहा है जिससे खवातीन को मजीद सहूलत मैसर होंगी। मजीद शुरका ने लोगों से खताब करते हुए कहा है कि दख्तरान काबिल कदर हैं। तुलबा वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन हर किस्म की गाइडलाइन कर सकती हैं। कैमरामैन एहसान कुरैशी के साथ खावर गिल, रॉयल न्यूज मुल्तान। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे तहसील चौबारा से। तहसील चौबारा के इलाके नवाकोट का, जहां पर प्राइस कंट्रोल ग्रेड मजिस्ट्रेट चौधरी खालिद महमूद ने नवाकोट का विजिट किया। खाद केमिकल्स और इनके मुंसलिक सैंपल लेबोरेटरी के लिए साथ ले गए और बाजारों में रेट लिस्ट भी चेक की। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत चौधरी खालिद महमूद ने जो है दुकानों का कोर्ट का अचानक विजिट का मकसद आवाम को सस्ती खाद और आवाम को सस्ती अशिया की फरहमी यकीनी बनाने के लिए जो मजीद कहा कि हम आवाम के साथ तमाम तर वसाय जो है वो बुरे कार लाते हुए, जिसके बाद दुकानदारों को जुर्माने किए और कुछ दुकानदारों की खाद के मराकज के सैंपल चेकिंग करने की लेबॉरटरीज भेज दिए गए। मजीद असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि गरीब आवाम को इन जालिमों के हाथों लुटने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह हर हफ्ते नवाकोट का विजिट करूंगा। और मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में 500 के करीब हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुर्म शहजाद की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सिबी में भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन लगाने का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सिबी डॉक्टर यासिर बाजई के सामने मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल सिबी डॉक्टर रफीक अहमद मस्तोई को कोरोना वैक्सीन लगाकर किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सिबी डॉक्टर अकबर सोलंगी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगाने के पहले मरहले में 500 के करीब हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में 18 साल से 60 साल तक के उम्र के अफराद और आखिरी मरहले में 60 साल से ज्यादा के उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन से मुस्तफीद हो सकेंगे। कोरोना वैक्सीन की डोज को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले डोज लगाने वाले हेल्थ वर्कर्स को दूसरी डोज 21 दिन बाद लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन लगाते वक्त तमाम तर एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुर्रम शहजाद, रॉयल न्यूज़ सिबी। DSP नवाकोट उमर फारूक बलोच ने रॉयल न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि CCPO गुलाम महमूद डोगर की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं नवाज भट्टी से। तो मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन नवाकोट और मेरे साथ मौजूद हैं DSP नवाकोट उमर फरूक बलोच साहब। आज से दो दिन पहले DSP नवाकोट उमर फरूक बलोच साहब ने अपनी निगरानी में 67 किलो चरस बरामद की। कैसे बरामद की आइए बात करते हैं DSP नवाकोट उमर फरूक बलोच साहब से। सर आपने ये आपको मुबारक हो, पहले तो आपने वो जिंदगियां जो दबा करने वाला मंशियात ग्रुप पकड़ा, कैसे उसको आपने अरेस्ट किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारे CCPO साहब जनाब गुलाम मोहम्मद डोगर साहब, उनका और DAG साहब ऑपरेशन और DAG साहब इन्वेस्टिगेशन, इनकी मुश्तरका मीटिंग हुई जो पूरे लाहौर के SDPO साहबान और SP साहबान थे, जिसमें ये तय किया गया कि ये बात सामने आई कि पहले के मुकाबले में अब मंशियात के हवाले से कार्रवाई, ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो इस वक्त का तकाजा है कि वो की जाए। तो जिस पे तमाम सर्कल हाई को और तमाम डिवीजनल SP साहब को इस हवाले से टास्क दिया गया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाकोट सर्कल ने अपने अफसराने बाला अपने जनाब CCPO साहब के इत्माद पे पूरे उतरते हुए एक भरपूर कार्रवाई की है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक मन 27 किलो यानी कि 67 kg चर्स जो है उसको रिकवर किया। यहाँ नाजरीन की दिलचस्पी के लिए ये बताना मुनासिब होगा कि ये शख्स पहले ही भी रिकॉर्ड याफ्ता था, इस पर यही नवाकोट में 73 किलो का 73 kg का इसके ऊपर पहले पर्चा हुआ था, जिस पर इसको उम्र कैद हुई थी, जिस पर ये तकरीबन
नौ दस साल जेल भी रहा, जिसने अपनी सज़ा पूरी की। थोड़ा अरसा पहले ये रिहा होकर आया था, तो जिसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसने आने के बाद कुछ अरसे बाद ही दोबारा वही धंधा जो है वो दोबारा शुरू कर दिए। जो कि मुखबर की इस इत्तला को माकूल जानते हुए हसब ज़ाब्ता रेडिंग पार्टी तश्कील करा कर इस पर रेड करवाया गया, जो कि इसके कब्ज़े से इतनी हैवी अमाउंट मिली जो कि एक रूप धार कर एक सप्लाई कर रहा था। सर, इसका मतलब इस पर पहले भी FIR और इसी इलाके का ही रहने वाले लोग? जी, रहने वाला तो ये इसके एडजस्टेड एरिया का है, एग्जैक्टली यहाँ का रहने वाला नहीं, लेकिन FIR पहले इस पर यहाँ पर दर्ज हुई थी 2010 में, 73 kg की, जो उसमें ये गिरफ्तार हुआ था और जेल गया था। तो अब आप क्या मैसेज करेंगे, चूँकि आपको CCPO साहब ने टास्क दिया स्पेशल, तो आप क्या वार्निंग करें जो ये मंशियात फरोश हैं? जी, इंशाल्लाह ताला पूरी लाहौर पुलिस मुतहरक हो चुकी है, तमाम डिवीजन आए अपना अपना इसमें रोल अदा कर रहे हैं, और डेली की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हर सर्कल और हर डिवीजन की तरफ से अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, और इसी तरह किलोज के हवाले से कई कई किलो हेरोइन और चर्स और दूसरी जितनी हैं, और अब आइस पर भी काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह ताला ये रिस्क हराम है, ये अपनी औलाद से पाएंगे और ये इसका नुकसान ही है, और उनको ये गैर कानूनी काम छोड़कर शरीफाना काम करने चाहिए और अपनी आने वाली नस्लों को अपने हाथों से हलाक नहीं करना चाहिए। सर, इसकी कम से कम सज़ा कितनी होगी? जी, इंशाल्लाह ताला ये जितनी इसकी अमाउंट है इसको ये अब ये पूरी 25 साल ही होगी इसको। DSP नवाकोट उमर फरूख साहब का कहना है कि CCPO के मुताबिक हम इंशाल्लाह मंशियात फरोशों का गिरोह भी तंग करेंगे और कम से कम इस मुजरम को 25 साल के राउंड अबाउट सजा हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ नवाज भट्टी, रायल न्यूज, लाहौर। मलकवाल शहर और मुख्तलिफ महल्लाजात के बासियों के मसाइल हल ना हो सके और ना ही कोई एक्शन लिया गया, हुकूमती वसाइल भी बुरे कार ना लाए गए, अफसरान की रस्मी और रवायती मीटिंग में सब अच्छा कराग, जमीनी हकायक इसके बरक्स और सूरतहाल खराब। गवर्नमेंट रफी इस्लाम हाई स्कूल के सामने शाहराह की सूरतहाल ही मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मलकवाद में बाकी पसमानदा मसाइल के अलावा सिर्फ महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुतल्लिका अफसरान और महकमाना स्कीमों पर होने वाला काम और फंड्स के बारे में जांच पड़ताल की जाए तो सरकार को बहुत बड़े साइंटिफिक तरीके से करोड़ों की फक्की दी गई है। माजी में गुज़िश्ता दौर हुकूमत में शामियाने बजाए गए कि मलकवाल शहर के लिए 55 करोड़ की खतीर ग्रांट सीवरेज और पीने के साफ पानी के लिए जारी की गई। बड़े बड़े इजहार तशक्कुर के पोस्टर और बैनर्स लगाए गए, मगर अमलन शहर भर में मुहल्लाजात समेत नकासियाब सीवरेज की सूरत हाल पहले से भी इंतहाई अबतर है और गंभीर सूरत हाल का सामना है आवाम को। कभी कहा गया कि 27 करोड़ सीवरेज की मद में फंड का अजरा हुआ है, मगर लफ्जों का हेर फेर ही मुतलका पब्लिक हेल्थ अफसरान और मंजूर नजर नाअहल ठेकेदारान के लिए करप्शन की बहती गंगा साबित हुए हैं। मलकवाल शहर में मुख्तलिफ मोहल्लाजात और बाजारों में मस्कूरा स्कीमें जब शुरू की गई तो बड़े पैमाने पर बेजाब्तियां और कवायद के बरक नाकस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया गया। और अब रुख करेंगे आरिफ वाला का। आरिफ वाला में खेले जाने वाले T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में स्टारलाइट क्रिकेट क्लब ने क्रिसन क्रिकेट क्लब आरिफ वाला को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इस मेगा इवेंट में जिला भर से टोटल 42 टीमों ने अपनी किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतरी थी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर रजातू। क्रिसेंट क्रिकेट स्टेडियम आरिवाला में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले जाने वाले T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में स्टार लाइट क्रिकेट क्लब ने क्रिसेंट क्रिकेट क्लब आरिवाला को हराकर जीत का ताज अपने सर सजा लिया। स्टार लाइट क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 127 रन का हदफ दिया, जिसके सामने क्रिसेंट क्रिकेट क्लब आरिवाला की पूरी टीम सिर्फ 72 रन पर ढेर हो गई। क्रिकेट शायकीन भी चौके छक्के और विकटें गिरती देखकर खूब लुत्फानंदोज हुए। फाइनल मैच के इख्तिताम पर टूर्नामेंट इंतजामिया की तरफ से जीतने और रनर्स अप टीम को नकदी इनामात और ट्रॉफी से नवाजा गया। इस बड़े इवेंट में पाक जिला भर से कुल 42 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट जीतने की खुशी में खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डालकर जीत का खूब जश्न मनाया। खबर है जनावाला से, जहां सूबाई वजीर पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब खेलकर में पुलिस गर्दी की इंतहा। सिटी पुलिस SHO की सरबराही में एक शहरी के घर में घुसकर नहती खवातीन पर लाठियां बरसाती रही।
متاثر خاندان نے وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلی پنجاب سے انصاف کی اپیل کر دی۔ اس وقت جڑوالہ سے ہمارے نمائندے غلام فرید پولیس گردی کا نشانہ بننے والے خاندان کے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ آج بالکل اس وقت میں تھانہ سٹی کے نواحی علاقہ محلہ اسماعیل باد میں موجود ہوں۔ یہاں پر میرے ساتھ ایک ایسی متاثرہ فیملی موجود ہے جن پر جو پنجاب پولیس کے شیر جوان ہیں انہوں نے گھر میں داخل ہو کر چادر چار دیواری کا تقدس استعمال کرتے ہوئے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کو گلیز گالیاں نکالتے رہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ جو متاثرہ فیملی ہے وہ موجود ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا اپیل کریں گی۔ وزیر اعظم پاکستان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کے رویے تبدیل کیے جائیں گے، ان کو کیا اپیل کریں گے؟ جی جی سر، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا بنایا وہ بتائیں سر۔ ہم دیوار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، دیوار کے لیے ہم نے جا کے انہیں دکھایا، سٹے دکھایا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہمارا دروازہ بند کیا، ٹھیک ہے، دروازہ بند کر رہے تھے، ہم نے آگے جا کے سٹے دکھایا، ہمارا سٹے ہوا، آپ دیوار نہ کریں، ٹھیک ہے، جا کے پولیس والوں نے گھسیٹنا، تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھیں سر، ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا انہوں نے، ہمیں لہٰذا انصاف چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھ سے موبائل چھین لیا، میں نے کہا ویڈیو بنا رہی ہوں، میں انصاف مانگوں گی۔ انہوں نے موبائل چھینا، میرے پیٹ میں ٹانگیں ماری، گھسیٹا، ہمیں بہت زیادہ تہجد کیا ہمارے اوپر، ان کے بارے میں کچھ کیا جائے، ان پہ جو بھی ظلم ہوا ہے ان کی ہمیں کوئی حل دکھائے، اور ہم دروازہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے دیواریں اچھل کر میری ماں بہنوں پر ظلم کیا ہے۔ اور جی بالکل، آپ نے سنا، جو متاثرہ فیملی کی ایک اور جو خاتون تھی اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ سخت زیادتی ہوئی۔ یہاں پر ایک جو اعلیٰ انتظامیہ ہے سوال کا نشان اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں یا ایک مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں، لہذا انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے یہی اپیل کی ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، اور جو جن پولیس والوں نے گھر میں گھس کر داخل ہو کر ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی غلام فرید، آپ کا شکریہ۔ اب خبر شامل کریں گے مظفر آباد سے۔ ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ کلچر آزاد کشمیر ملک شوکت حیات نے مرزا سجاد مغل سے خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل شک میں موجود ہوں مظفر آباد میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ کلچر ملک شوکت حیات صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ شکریہ سجاد صاحب، گزارش یہ ہے کہ حکومت نے نوجوانوں کی جو ان کے لیے جو ہے کھیلوں کی سہولتوں کے لیے گراس روٹ لیول تک ہم گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ کیپیٹل ہے، یہاں پر ہمارے پاس یہ گراؤنڈ جس پہ آپ کھڑے ہیں یہ موجود ہے، یہ ہمارا قومی کھیل ہاکی کا گراؤنڈ ہے۔ اس پہ آج ہم نے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کہ ہم نے ہاکی کی ایکٹیویٹی شروع کی ہے، اور انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو گھروں سے ان کو موبائل سے اور جو ویڈیو گیم سے نکال کر کھیلوں کی طرف لا رہے ہیں، پوری کوشش ہے، اور پورے آزاد کشمیر میں ہم نے نوجوانوں کو متعارف کیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہاکی کے نیشنل لیول کے یہاں پر پروگرام ہوں گے، نوجوانوں کی جو کوچنگ بھی انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم ڈویژنل لیول پہ کوچنگ کیمپ اور امپائرنگ کے کیمپ لگا رہے ہیں تاکہ نوجوان جو ہے وہ قومی کھیل کی طرف راغب ہو سکیں۔ اسی طرح فٹ بال ہے، ہماری والی بال ہے، آزاد کشمیر میں زیادہ تر پہاڑی ایریا ہے، اس میں والی بال کا کھیل کھیلا جاتا ہے، تو اس کی طرف بھی ہم توجہ دے رہے ہیں، ان ساری گیمز کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے آزاد کشمیر بھر میں ہائی اسکولوں میں ہم نے ہاکی اور گیند تقسیم کی ہیں، مظفر آباد ڈویژن میں بھی ہم کل تقسیم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نوجوان ہمارے جو کھلاڑی ہیں یہ گراس روٹ لیول سے جو ابھی جو 7th, 8th, 9th, 10th میں جو نوجوان ہمارے جو بچے ہیں ہم وہاں سے ان کا سٹارٹ لے رہے ہیں تاکہ جو پاکستان میں اور بالخصوص آزاد کشمیر میں جو کھیلوں کا جو رجحان کم ہو رہا ہے نوجوانوں کو اس طرح راغب کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ملک شوکت حیات صاحب، ہم نے ان سے بات کی کہ دیکھا جائے کہ جہاں پر جو گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ آباد ہوتے ہیں، وہاں پر ہاسپٹل وہ ویران ہوتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا گراؤنڈ ہے۔
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि न्यू लारी अड्डा खुशाब से एक पठान जेब तराशी करते हुए रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे इफ्तिखार बलोच ने रंगे हाथों पकड़कर खुशाब पुलिस के हवाले कर दिया। वहां पर मौजूद लोगों ने ऐसे होने वाले वाकयात की पुरजोर मजम्मत की और इफ्तिखार बलोच की हौसला अफजाई भी की। खबर शामिल करते हैं चमन से। चमन इंतजामिया की जानिब से शहर में तजावजात के खिलाफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमले के हमरा ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम खान काकर, डीएसपी, एसएचओ मकसूद अहमद, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर्स चकजई और दीगर ने हिस्सा लिया, जिसमें दुकानदारों को तंबी दी गई कि वो अपने दुकानों के थड़ों से आगे जाने की कोशिश न करें, जबकि रोड पर सामान रखने पर दुकानदारों के सामान कब्जे में ले लिया और कहा कि तजावजात किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां पर अपीलों का हक सेशन कोर्ट से खत्म करके हाई कोर्ट में करने के खिलाफ मियांवाली के वकला सरापा एहतजाज है। सेशन कोर्ट का गेट बंद कर दिया गया, वकला गेट पर जमा है। साबिक जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियांवाली एडवोकेट इरफानुल हसन खान न्यासी की रॉयल न्यूज मियांवाली से दौरान एहतजाज गुफ्तगू हुई। सेशन कोर्ट मियांवाली का गेट बंद कर दिया गया, इस वक्त वकला एहतजाज कर रहे हैं। इनका कहना था कि सिविल कानून के अंदर तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक सेशन कोर्ट के अंदर अपील करने का हुक्म हक भी खत्म कर दिया गया, इसको बहाल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला के गिराए गए चैम्बर्स को तारीम करवाया जाए और सरगोधा हाई कोर्ट का बेंच बनाया जाए, क्योंकि इंसाफ को लोगों की दहलीज तक पहुँचाना हुकूमत और अदालती निज़ाम का फर्ज है। हर जिला में 1.5 घंटे की मुसाफत पर हाई कोर्ट बेंचेस मौजूद हैं, लेकिन मियांवाली के लोगों और वकला 6 घंटे का सफर करके जाते हैं, जिस पर हम सरापा एहतजाज हैं। इस तरमीम के खिलाफ हमारा एहतजाज मजीद बढ़ता जाएगा। नौशहरा वरका के नवाही गांव नत्थो सेपा में 50 साल शख्स का कत्ल हो गया। जी नौशहरा विरका से आपको बताते चले, अब्दुल मालिक को हवेली से सोते हुए फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल 5 बच्चों का बाप था, जिसको सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज कर दिया। अब्दुल मालिक की कत्ल की वजह तहाल मालूम न हो सकी। खबर शामिल करते हैं नौशहरा जदीद से, जहां पर थाना धूड़कोट पुलिस की कार्रवाई, शराबफरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, मुल्जिम यूसुफ हुसैन से 60 लीटर शराब बरामद कर ली गई। और अब रुख करेंगे ओकाड़ा का। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जाली दूध से खोया बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली गई। इतला मिलते ही असिस्टेंट फूड ऑफिसर ओकाड़ा जवेदिया मुश्ताक ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। नवाही गांव झुग्गिया जट्टा में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर पकड़ ली गई। इतला मिलते ही असिस्टेंट फूड ऑफिसर ओकाड़ा जवेदिया मुश्ताक ने फौरी मौका पर पहुंचकर 30 मन खोया, 15 मन दूध, 15 तोड़ खुश्क पाउडर और 10 टीन देसी घी कब्जा में ले लिया, जबकि मुलजिम हाजी अब्दुलरहमान बाबा नामी शख्स मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। और जलालपुर पीरवाला में 2 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में एक डकैत हलाक और एक जख्मी हो गया। डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे कि 15 पर कॉल पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का ये मौकफ सामने आया है। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके कोटला चाकर में डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूटमार करने में मसरूफ थे कि 15 की कॉल पर एसएचओ थाना सदर अरशद महमूद भट्टी नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के दौरान एक डकैत साथियों की फायरिंग का निशाना बन गया, जबकि दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। फरार डाकुओं के इतला वायरलेस पर मौसूल होने पर एसएचओ थाना सिटी राणा साबिर ने मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदियां करा दी। इसी दौरान मफरूर डाकैतियों के सामना शुजातपुर के करीब थाना सिटी पुलिस से हो गया। पुलिस के रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के दौरान पुलिस ने एक डकैत मुनीर उर्फ मलकी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी तरफ मारे जाने वाले डाकुओं की शिनाख्त बाबर उर्फ बाबरी के नाम से हुई। जो थाना सदर और थाना सिटी के अलावा दीगर कई थानों को संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जबकि पुलिस का एक सिपाही भी फायर लगने से जख्मी हो गया।
खबर शामिल करते हैं तांगियावाला से, जहां थाना सदर के SHO अलमदार हुसैन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। गुज़िश्ता रात 1:30 बजे जला मोड़ से रहमेशार रोड पर नामालूम डाकू राहगीर को लूटने में मसरूफ थे। जब थाना सदर के SHO अमलदार हुसैन को इत्तला मिली तो वो नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए, जहां पर पुलिस मुकाबले के नतीजे में 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रॉयल न्यूज मोहम्मद वकार हुसैन से। जी बिल्कुल, थाना सदर के दूध में रात 1:30 बजे के करीब नामालूम चोरों ने झूले लाल पेट्रोल पंप के करीब कार पे फायरिंग कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब के सूबाई जनरल सेक्रेटरी राय सईद अहमद खरल अपने घर को जा रहे थे कि नामालूम चोरों ने गाड़ी पे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की वजह से कार के टायर ब्रेस्ट हो गए और राय सईद अहमद खरल महफूज रहे। पुलिस को जब इतला मिली तो थाना सदर के SHO अलमदार हुसैन और थाना सिटी के SHO सुफियान बुटर अपनी नफरी कैमरा मौके पर पहुंच गए। 449 गाबे के करीब पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। मुल्ज़िमान ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हो गए। तीनों जख्मी डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी राय सईद अहमद खरल की मुदय्यत में नामालूम डाकुओं पर FIR दर्ज कर दी। खबर शामिल करेंगे हुजरा शाह मुकीम से, जहाँ पर नवाही इलाका जुगिया जट्टा में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का छापा, गैर कानूनी पेट्रोल पंप पकड़ लिया गया। राव उमर फारूक ने कार्रवाई करते हुए मशीनरी उखाड़ कर कब्जे में ले ली। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर कार्रवाई गांव जुगिया जटा में की गई। जाली पंप के मालकान गुलाम फरीद वगैरह मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे चिन्योट से, जहां पर खवातीन पर शद्दत तशद्दुद किया गया। चिनाब नगर के इलाके में नौजवान का खवातीन पर तशद्दुद, उस्मान नामी नौजवान साथियों समेत घर में दाखिल होकर डंडों से तशद्दुद करता रहा। तशद्दुद की वीडियो रॉयल न्यूज ने हासिल कर ली। बाअसर मुल्जिमान को चिनाब नगर पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। आगे बढ़ें और आपको बताऊं, नारोवाल IRS और MGI GFCP और PS-38 का अफराद पर मुश्तमिल ऑफिशियल ग्रुप के 12 इंटर ट्रेनिंग अफसान का दौरा किया गया। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आयशा गजन पर मोहम्मद हनीफ और असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनियत बुखारी अरफान मार्टिन के साथ इनका पुरतकबाल इस्तकबाल किया। बाद अजा डिप्टी कमिश्नर जहीर हुसैन ने PO अली अकबर शाह के हमराह ज़ेरे तरबियत अफसरान को ज़िला में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबाजात और दीगर अमूर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए दी जाने वाली खिदमात के हवाले से इनके लिए नेक तवक्कुआत और ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तमाम महकमों के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। ऑफिशियल टूर ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भरपूर तआवुन का शुक्रिया भी अदा किया। बाद अजा ऑफिशियल ग्रुप मेंबरान ने दौरा करतारपुर का भी दौरा किया। अब रुक करेंगे विहाड़ी का। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही ने असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी जाफर गुज्जर के हमराह शहर के मुख्तलिफ स्कूलों, पार्क और म्यूनसिपल लाइब्रेरीज का विजिट किया और स्कूलों में कोरोना SOPs और तालीमी सहूलियात की फराहमी का जायजा भी लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाड़ी से शौकत अली फिल्क। डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही ने गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल का विजिट किया, बच्चों की तलीमी इस्तेदाद का जायजा लिया और स्कूल में बच्चों की बेहतरीन तलीमी माहौल फराहमी की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुबीन इलाही ने कहा कि गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल में छोटे बच्चों के लिए किड्स ब्लॉक तमीर किया जाए और स्कूलों में जरूरियात के मुताबिक इजाफी क्लास रूम तमीर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मुबीन इलाही ने DSP स्कूल के नर्सरी क्लास रूम में LED लगाने की हिदायत की और कहा कि ई लर्निंग के जरिए बच्चों को बेहतर अंदाज से सीखने के मौके मिलेंगे। DPS स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। बाद इजा म्यूनसिपल लाइब्रेरी, कायदे आजम पार्क और फैसल पार्क का विजिट किया, पार्कों की सफाई सुथराई और तजीनो आराइश और बेहतरीन सहूलियत की फराहमी की हिदायत की और म्यूनसिपल लाइब्रेरी पार्क की चार दीवारी की तामीर और मुरम्मत का हुक्म दिया। पार्कों की देखभाल के लिए मकामी अफराद के इश्तराक से कमेटियां तश्कील दी जाएं। पार्कों में फैमिलीज और बच्चों को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। पार्कों में झूलों की मरम्मत और उसको कलर किया जाए। पार्कों को खूबसूरत और दीदाजेब बनाया जाए। पार्कों में शजरकारी और सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी मोहम्मद जाफर चौधरी, CEO एजुकेशन सुहेब इमरान और CEO म्यूनसिपल कमेटी राव नईम खालिद भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शौकत अली विरक।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे नौशहरा जदीद से, जहां पर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की सियासी समाजी रहनुमा मलिक खालिद अवान के घर पर आमद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद मलिक खालिद ऐवान के घर आए और वहां उनके करीबी दोस्त सियासी और समाजी रहनुमा मलिक खालिद ऐवान, मलिक नज़ीर ऐवान, मलिक बशीर ऐवान से गुलाम कादिर ऐवान मरहूम की दुआ मगफरत भी की और इनकी वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और कहा कि मरहूम बहुत नेक सीरत इंसान थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर की और मरहूम के लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक हूँ और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया जनाब अदनान बदर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चूनिया अख्तर चौहान और तहसील सुपरिटेंडेंट म्यूनसिपल कमेटी चूनिया सरदार इदरीस डोगर की खसूसी हिदायत। जी वजीर आजम टाइगर फोर्स चांगामांका के फोकल पर्सन और रवाम अमजद अली खान को कोऑर्डिनेटर नवीद अंजम भट्टी, वाइस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आसिफ अली साजिद, एडिशनल वाइस कोऑर्डिनेटर कुर्बान अली साकी, एडिशनल कोऑर्डिनेटर राना मोहम्मद इसहाक, मीडिया कोऑर्डिनेटर गुलाम मुस्तफ़ा लसानी, असगर इंसारी और दीगर अरकान ने जामे मस्जिद अहले हदीस वाली गली के सीवरेज की सफाई का काम अपनी निगरानी में करवाया। इसके बाद यूटिलिटी स्टोर छांगामांगा पर घी अपनी निगरानी में फरोख्त करवाया। हाजी मोहम्मद खाल जावेद नुमाइंदा खसूसी रॉयल न्यूज़ छांगामांगा, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया जनाब अदनान बदर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी चूनिया अख्तर चौहान और तहसील सुपरिटेंडेंट म्यूनसिपल कमेटी चूनिया सरदार अदरीस डोगर की खसूसी हदायत पर वज़ीर आज़म टाइगर फोर्स छांगामांगा के फोकल पर्सन रवा अमजद खान और कोऑर्डिनेटर जवेद नवीद अंजम भट्टी, वाइस कोऑर्डिनेटर ने भी उनके साथ जो शिरकत की और दीगर अरकान ने जामा मस्जिद अल हदीस की गली में अपनी निगरानी में तमाम काम करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर भी उनके हमरा मौजूद थे और आपको बताते चलें कि कुर्बान अली साकी एडिशनल कोऑर्डिनेटर भी उनके साथ मौजूद थे। ये तमाम काम उन्होंने अपनी निगरानी में करवाया। और अब रुख करेंगे मदीनतुल औलिया शहर मुल्तान का, जहां पर महंगाई का जिन दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है, जिसमें शेख और नोश की कीमतों के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं किया गया। मजीद इस हवाले से जानते मुल्तान से नुमाइंदा रॉयल न्यूज एजाज अहमद से। जी एजाज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपको बताता चलो कि मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह शहर औलिया मुल्तान में भी महंगाई का जो जिन है वो दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। अगर बात कर ली जाए शियाए खुर्दो नोश की, तो शियाए खुर्दो नोश जिसमें आटा, दाल, चीनी, घी, चावल शामिल है, उनकी भी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब अगर बात कर ली जाए मुर्गी के गोश्त की, तो इस वक्त मुर्गी का जो गोश्त है, चिकन, ब्रायलर चिकन है, वो 340 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जो कि बहुत ही महंगा तरीन इस वक्त जो है ना वो सेल किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में उनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा। ये भाई इतनी महंगाई कर दी है कि हद से ज़्यादा हमारे लिए तो मुश्किल हो गई है बहुत ज़्यादा। जितनी पहले दिहाड़ी बनती थी उससे भी कम, और महंगाई इतनी। अब मेरे घर पर आए थे उस टाइम वो मरदमशुमारी वाले के दो कार्ड बनेंगे, मेरे दो ऑपरेशन हो चुके हैं, कि तेरे दो कार्ड बनेंगे, अब जो है ना हुकूमत ने मार भी सख्ती की है, बाद में कहते बंद हो गया है, ना कुछ मिला है ना ही मिल रहा है। जो चीज लेने जाए यहाँ काम करता हूँ, 400-500 रुपए का काम बड़ी मुश्किल से है रोजगार। जी बिल्कुल, जैसा इनका कहना है कि एक गरीब आदमी जो कि दिन में 400-500 रुपए तक कमाता है, वो घर का राशन पूरा करेगा या दवाइयाँ बच्चों के लिए जो है ना वो खाना। इरादे मजबूत हों तो मुश्किलात मंजिल तक पहुँचने में रुकावट नहीं बन सकती, ये सच साबित कर दिखाया ननकाना साहिब के देहाती इलाके की होनहार तालिबा अमल फातिमा ने, जिसने बेशुमार मुश्किलात के बावजूद अपनी मेहनत से 1072 नंबर हासिल करके FSC प्री इंजीनियरिंग लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। मजीद तफसीलात डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा वकास रियाज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कंट्री मॉडल स्कूल मोड़खुंडा ननकाना साहब में जेरे तलीम अमल फातिमा ने सफरी मुश्किलात, मशरती मसाइल और अनगिनत मुश्किलात के बावजूद तलीमी मैदान में मेहनत का सिलसिला जारी रखा और लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके अपने स्कूल, असाजा, वालदैन और इलाके का नाम रोशन कर दिया। अमल फातिमा ने अपनी कामयाबी को अल्लाह ताला की रहमत, वालदैन की दुआ और असाजा की मेहनत का नतीजा करार दिया।
और उन्होंने मजीद कहा कि वो इंजीनियर बनकर मुल्की तमीर व तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहती हैं। रुख करेंगे कानकोट का, जहां डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी की सदारत में अहम इजलास हुआ। कानकोट डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी, एसपी अहमद अमजद शेख, कर्नल जावेद असगर, विंग कमांडर पाकिस्तान रेंजर्स, सिंधी अदबी संगत और बाशऊर शहरियों की जानिब से 26, 27 और 28 फरवरी मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में इल्मी, अदबी, सकाफती मेला, महफिल मौसीकी और फूलों की नुमाइश, कश्मोर फेस्टिवल, जश्न बहारा, इनकी तैयारी की मुनासबत से इजलास बुलाया गया, जिसमें कश्मोर जिले के वफाकी और सूबाई डिपार्टमेंट के सरबरा, जिले कश्मोर में काम करने वाली एनजीओ और दीगर हकाम ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कश्मोर ईद इन कानकोट मुनव्वर अली मठियानी का कहना था कि कश्मोर जिला की आवाम को तफरी मुहैया करने के लिए जश्न बहारा का इनेकाद किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि तमाम डिपार्टमेंट सरबराहान इस फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए अपने डिपार्टमेंट की तरफ से स्टॉल लगाएं। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर्स कमेटी मेंबर ने कहा कि फेस्टिवल में आर्ट काउंसिल की हल्फिया बर्दारी, करीब अदबी कॉन्फ्रेंस, फ्लावर शो, अदबी महफिलें, मुशायरे, मौसीकी, घोड़ों की रेस, बैलों की रेस, स्टेज ड्रामा के प्रोग्राम तकरीब दिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से स्टॉल पर सामान मुहैया करे, बेहतरीन स्टॉल लगाने पर इनाम भी दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी एसओपीस का ख्याल भी रखा जाए। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv और देखते रहिए रॉयल न्यूज।